दोस्तों, जिस जिसका भी सपना है हाई कोर्ट में जॉब पाने का, जूनियर असिस्टेंट बनने का, ज्यूडिकल जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट अभी निकला है, दोस्तों आपके लिए शानदार वैकेंसी अपडेट लेके आया हूँ। आप हाई कोर्ट में जॉब पा सकते हैं दोस्तों, वो भी जूनियर असिस्टेंट ज्यूडिकल का। दोस्तों ज्यूडिकल में जूनियर असिस्टेंट का, इसके बारे में डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल में दोस्तों आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब संबंधित वैकेंसी अपडेट लेकर आते ही रहते हैं दोस्तों। तो जो जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं पूरी डिटेल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर देना दोस्तों वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक बने रहना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। दोस्तों आप लोगों का सपना साकार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट में जॉब वैकेंसी निकली है। आप हाई कोर्ट में जॉब पाकर दोस्तों एक अच्छा लाइफस्टाइल बना सकते हैं अपना। तो इसके बारे में आप डिटेल्स से सुनिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर देखते हैं एमपी हाई कोर्ट जेए रिक्रूटमेंट 2022, यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में यहाँ पर वैकेंसी निकला है जूनियर ज्यूडिकल असिस्टेंट का। इसका जो फॉर्म फिलअप का डेट है दोस्तों, वो 3 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होकर 23 दिसंबर 2022 तक लास्ट डेट रहेगा दोस्तों। यहाँ पर अपन यहाँ देखेंगे कि यदि आप लोगों का जो फॉर्म है वो फिलअप के दौरान कुछ गलती होता है, तो उसको करेक्शन आप करवा सकते हैं, उसको सुधरवा सकते हैं। उसका जो डेट रहेगा वो 28 से 30 दिसंबर के बीच में रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यदि आप जनरल या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप 770 रुपया पे करना पड़ेगा आपको दोस्तों, ये रूल्स है। और यदि आप एमपी में रिजर्व कैटेगरी से हैं, यानी कि आप प्रॉपर एमपी के हैं दोस्तों, तो आपको 577 रुपया पे करना पड़ेगा। अब चलिए जानते हैं दोस्तों इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। हम लोग दोस्तों किसी भी जॉब में फॉर्म अप्लाई करने से पहले उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। यदि आप लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे, तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस वैकेंसी में आप फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो बैचलर डिग्री रहेगा दोस्तों। आपके पास बैचलर डिग्री रहना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। और दोस्तों इसमें कुछ कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि दोस्तों उसमें ये कंडीशन है कि आपको टाइपिंग एंड राइटिंग हिंदी इंग्लिश में दोनों में आनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास दोस्तों 1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट रहना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यह आपको बताऊँगा कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा रहेगा। तो दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले आपका जो रहेगा रिटन एग्जाम रहेगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि आपका जो जो दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, ताकि आप फॉर्म फिलअप कर सकें। दोस्तों इसमें आपका जो नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का है दोस्तों, इसमें बहुत कम पोस्ट निकलता है। यदि आप इसमें जॉब पा जाते हैं, तो आपके लिए शानदार मौका रहता है दोस्तों, आप बहुत ही अच्छा पोस्ट में जा सकते हैं इसके द्वारा। तो इसमें कुछ कुछ पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें जनरल वालों को 21 पोस्ट अलाउड है दोस्तों, वो जनरल वाले 21 पोस्ट जॉब पा सकते हैं। और ओबीसी वाले दोस्तों 4 पोस्ट है, एससी वाला 7 पोस्ट और एसटी वाला 8 पोस्ट है दोस्तों, इतने ही पोस्ट यहाँ पर है। टोटल इसमें पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट दिया गया है यहाँ पर 40 पोस्ट दिया गया है दोस्तों। अब बात करेंगे इसमें एज लिमिट के बारे में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आपका जो एज है वो 18 से 35 के बीच में रहना चाहिए दोस्तों। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आप इसमें फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे फिलअप करना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर लेना दोस्तों।
यदि कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके इसके सिलेबस के बारे में जानना है कि इसके एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं ये जानना है यदि आपको, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे क्या क्या पूछा जाता है, कैसा टाइप का एग्ज़ाम आता है दोस्तों। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल पर ऐसी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज के बारे में जानकारी दिया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने सभी साथियों तक हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों। तो मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए।